करेंगे फटाफट। जैसे अभी क्या हो रहा है, इफ यू सी, चलिए सो इसलिए याद रखेंगे। तो जो आपका बाइनरी फिजन है उसको हम फिर कैसे सब क्लासिफाई करेंगे? ओके, तो उसको सब क्लासिफाई करने के खिलाफ क्या है, उसको सब क्लासिफाई करने का कारण है वल्ला। तो उसको सब क्लासिफाई करने का कारण क्या है, दैट वो जो आपका कौन सा प्लेन में आपका होता है, व्हाट बाइनरी फिशन। तो इन केस ऑफ योर क्या, इन केस ऑफ योर अमीबा, अमीबा खुद बहुत इररेगुलर है कि नहीं? तो अमीबा इररेगुलर है शेप में, इसलिए किस प्लेन में कटता है वो पता नहीं। So there is no definite plane for binary fission. तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, irregular binary fission. समझ रहे हो? But in case of euglena, euglena में longitudinal होता है। Now what is this? मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो suppose हम लोग ले, तो euglena कैसा shape का होगा? It will be something like this, है कि नहीं? तो सपोज ये है यूग्लिना, ओके? उसके बाद हम देखेंगे पैरामीशियम, पैरामीशियम भी चप्पल जैसा होता है, ओके? तो एंड आपका सपोज पेलोमिक्सा, ओके, सेराटियम, ये आपका सेराटियम हो गया। तो अब इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ योर क्या यूग्लिना, आपका ये जो फिजन होता है ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में होता है, जबकि इन पैरामीशियम ये ट्रांसवर्स एक्सिस में होता है, एंड इन सेराटियम ये ऑब्लिक एक्सिस में होता है। तो इसलिए लॉन्गिट्यूडिनल फिशन, ट्रांसवर्स फिशन, एंड ये क्या है, सो दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक फिशन। तो इस केस में डॉटर सेल्स कैसे होंगे? तो इस केस में जो डॉटर सेल्स हैं वो ऐसे अलग अलग होंगे, सो दे विल बी प्रोड्यूस लाइक दिस। इस केस में डॉटर सेल्स कैसे होंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, ओके? इस केस में ऐसे अलग अलग होंगे, और क्या, एक इधर होगा एक इधर होगा, राइट? सो दिस इज द ऑब्लिक फिशन। तो हम देख सकते हैं, सपोज यू ब्रिंग दिस लाइन हियर, तो देख रहे हो ये कटा, इफ यू ब्रिंग दिस लाइन हियर तो ये कटा, इफ यू ब्रिंग दिस लाइन हियर तो ये कट, अंडरस्टैंड? तो इसीलिए किस प्लेन में आपका स्प्लिट करता है या फिशन करता है उसी अनुसार उसका नाम रख दिया गया, क्या, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स या ऑब्लिक। कोई शक? नो सर। एनी डाउट्स? चलिए, तो इसीलिए उसका एग्जांपल क्या है, तो लॉन्गिट्यूडिनल में हमने यूग्लिना ले लिया, ओके, पैरामीशियम एंड प्लेनेरिया जो है वो ट्रांसवर्स, एंड सेराटियम है या और भी बहुत सारे प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं जो स्फेरिकल वाले, वो ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन से कटे, ठीक है? बट अगर एक और चीज याद रखेंगे, द प्रोडक्ट्स में लिखा है क्या कहीं, जो प्रोडक्ट्स है आपके उसमें आपका पेरेंट अब नहीं बचता है। सी अ लॉट ऑफ बुक्स या आप देखोगे इसको सेल्युलर रिप्रोडक्शन बोला जाता है, तो जबकि आई डोंट बिलीव इन दिस कंसेप्ट ऑफ सेल्युलर रिप्रोडक्शन। क्यों? एक तो उसका ऑब्जेक्टिव रिप्रोडक्शन नहीं होता है। रिप्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, बोलिए? टू प्रोड्यूस डॉटर सेल्स, है कि नहीं? जो हमारा ममता दीदी है उसका कोई बच्चा क्यों नहीं है, क्योंकि उसको नहीं चाहिए। Why our मोदी जी has no children? He did not want. समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? वो रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे, तो नहीं किया, ओके? बट इधर क्या होगा, इधर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके बाद तो पेरेंट ही मर गए हो। The parent is replaced by two daughter cells. So that is why we cannot call it reproduction.
एंड वी नो वेरी वेल कि व्हाई इट इज डिवाइडिंग, उसका डिवाइड करने का कारण क्या है, बोलिए, ताकि वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो सके, क्योंकि वो छोटा सा सेल है एंड ये जो है बड़ा सा सेल, तो बड़ा सा सेल क्या होता है, तो बड़ा सा सेल जो है वो आपका इनएक्टिव होगा मेटाबॉलिज्म, तो एक्टिवेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने उसको क्या किया, हमने उसको खिलाया पिलाया और डिवाइड किया, ओके। सो एज यू बिकम स्मॉलर यू बिकम मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है, तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए देयर वाज नो इंटेंशन ऑफ मेकिंग बेबीज, ओके, सो आई डोंट अप्रूव दिस कंसेप्ट ऑफ सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, बट बुक्स में लिखा होता है तो आपको पढ़ना है, आपको लिखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद, तो मल्टीपल फिशन का मीनिंग क्या होता है कि अगर दो से ज्यादा बच्चे बन रहे हैं, ओके, इफ मोर देन टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस बाई फिशन, तो उसको हम क्या कहेंगे, सो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। तो इसलिए बाइनरी फिशन को हम लोग कौन सा डिवीजन बोलेंगे, माइटोसिस ना मियोसिस, हाँ लाउडर निशुपत्मा, बी लाउडर। तो एक्चुअली इसको ना तो हमें माइटोसिस बोलना चाहिए और ना ही मियोसिस बोलना चाहिए, क्योंकि इसको बोला जाता है ए माइटोसिस, फाइन, व्हाई, बिकॉज देयर इज नो प्लैंड डिवीजन। माइटोसिस क्या होता है, वो हाईली प्लैंड डिवीजन, ओके, तो उसमें प्लानिंग होता है, क्या होगा, कैसे होगा, जीन्स का बंटवारा, सब कुछ प्लान्ड प्रोडक्ट है, बट इधर क्या हो रहा है, यहाँ सब कुछ अनप्लान्ड है, अंडरस्टूड, सो दैट इज व्हाई इसको फिजन को हम लोग माइटोसिस नहीं बोलना चाहिए, किंतु फिर भी मैंने देखा है कुछ बुक्स में उसको माइटोसिस लिखते हैं, they divide by mitosis, but I don't feel it is correct, जबकि हम already a mitosis पढ़ते हैं, okay? चलिए, तो a mitosis इसमें क्या होता है, पहले karyokinesis होगा, फिर cytokinesis होता है, okay? But जो अगला division है plasmotomy, what is plasmotomy? इसमें पहले जो है हमारा cytokinesis होगा एंड फिर कैरियोकाइनेसिस होगा। तो व्हाट हैपेंस इन प्लास्मोटोमी, तो प्लास्मोटोमी में आपका क्या है, जो मल्टीन्यूक्लियर पेरेंट है वो डिवाइड करता है इनटू डॉटर सेल्स एंड उसमें जो भी न्यूक्लियस है उसका बंटवारा हो जाता है, ओके, तो इसलिए पहले क्या डिवीजन करेगा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का सिर्फ बंटवारा होगा। नाउ ये जो न्यूक्लियस गया बाहर तो इसका क्या होगा, बोलिए, तो ये जो न्यूक्लियस बाहर जाएगा ये बाद में डिवाइड करेगा एंड आपका बनेगा सेम न्यूक्लियस नंबर, ओके, तो इसलिए न्यूक्लियर डिवीजन विल बी फॉलोड आफ्टर या विल बी टेकिंग प्लेस आफ्टर सेल डिवीजन, देख रहे हो, तो जैसे हमने ये ड्रॉइंग बनाया है, ये मदर सेल है, तो इसके पास 8 न्यूक्लियस है, तो ये डिवाइड करके 4 डॉटर सेल्स बनाया एंड इसने साइटोप्लाज्म को बांट दिया एंड न्यूक्लियस को भी बांट दिया, फाइन, अब इंडिविजुअली ईच ऑफ देम विल डिवाइड, तो सपोज हम अब इंडिविजुअली ये बाबा देखो, सो अब इंडिविजुअली हम लोग इसको डिवाइड करेंगे एंड क्या बनाएंगे, सपोज इस छोटा छोटा बनाएंगे, तो कॉपी किया जा सकता है क्या, कॉपी पेस्ट हो रहा है, नो, सो दिस इज नॉट गेटिंग कॉपी पेस्टेड, तो सपोज ये आपका हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके, सो नाउ वी मेक 8 न्यूक्लियस,
तो अब क्या होगा, ईच ऑफ दीज सेल्स, ये आगे जाएंगे, ईच ऑफ दीज सेल्स विल गो अहेड एंड दे विल डिवाइड एंड मेक, दे विल ऑल मेक सेल्स लाइक दिस. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सो नाउ दे हैव ए बंच. अब वो न्यूक्लियर डिवीजन करके अपना न्यूक्लियर नंबर बढ़ा देते हैं, समझ रहे हो. तो इसलिए मदर सेल मेक्स डॉटर सेल बाय प्लास्मोटोमी. प्लास्मा मतलब साइटोप्लाज्म, टोम मतलब टू कट. तो साइटोप्लाज्म को काट के बांट दिया, न्यूक्लियस भी बांट दिया. अब आगे हर डॉटर सेल अपना न्यूक्लियर डिवीजन करके न्यूक्लियर नंबर को मेंटेन करें. Do you understand the difference? So this is called plasmatomy. But multiple fission में क्या हो रहा है? पहले nucleus divide करेगा into suppose इसका दो nucleus है या one nucleus है. Now it will make eight nucleus. One will become eight nucleus. Then there will be cytokinesis producing eight daughter cells. Understood? So इसलिए मल्टीपल फ्यूजन में इसको हम लोग देख सकते हैं. इन दिस केस साइट कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. समझ रहे हो, तो कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस to produce many daughter cells. Understood? But plasmatomy में क्या होता है, इसमें first nucleus divide करेगा. Okay? तो इसीलिए plasmatomy रो मानने कौन, plasma refers to cytoplasm plus tome refers to cut. ओके, तो इसलिए हम साइटोप्लाज्म को कट करेंगे एंड आपका डॉटर सेल्स बना देंगे. फिर जब डॉटर सेल्स आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, वो अपना न्यूक्लियर डिवीजन करके आपका न्यूक्लियर नंबर को अकॉर्डिंग टू द जीनस मेंटेन करेंगे. क्लियर? तो उसमें एग्जांपल हमने ऊपर लेना पेलोमिक्सिया लिया हुआ. चलिए, तो उसके बाद आ जाएंगे. तो ये एक्चुअली दिस शुड नॉट बी इन एनिमल रिप्रोडक्शन. तो एनिमल रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल यहाँ से शुरू होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड बडिंग. तो बडिंग में हमने क्या देखा, बडिंग एक और स्पोरुलेशन भी हम लोग ऐड कर सकते हैं. तो बडिंग में हम लोग क्या देखते हैं, दो तरह का बडिंग होता है, एक एक्सटर्नल बडिंग जिसको गेमेशन बोला जाता है, एक इंटरनल बडिंग जिसको गेम्यूलेशन बना जाता है. तो जैसे आप हाइड्रा देखते हो, तो हाइड्रा में क्या होता है, आपका एक एक्सटर्नल बड बनता है, एक छोटा सा प्रोजेक्शन विच लुक्स लाइक ए मिनिएचर पैरेंट. ओके, एंड वो खा पी कर बड़ा होता है, न्यूट्रिशन मदर से डिराइव करता है, और जब ठीक ठाक साइज का हो जाता है, डिविजन कैपेबिलिटी का हो जाता है, तो क्या होगा, it will divide into two daughters. Yeah, it will that bud will fall off and it will give rise to a new organism. Understood? So this is called budding. And ये किस condition में होता है? Unfavorable conditions. Okay? So sorry. जो budding होता है, वो favorable conditions में होगा. जब बहुत पानी होगा and spread करने का बहुत scope होगा. Unfavorable conditions में ये लोग क्या करेंगे, so they will divide by what, gemmulation. तो ये आपका sponges में देखा जाता है, when the conditions are not favorable, when the plant is going to die, तो क्या होगा, तो they make gemmules and throw outside. तो gemmules में क्या होता है, an outer layer of बॉडी वॉल होता है प्लस अंदर आर्कियोसाइट्स होते हैं. व्हाई वी हैव आर्कियोसाइट्स बताइए, व्हाट इज आर्कियोसाइट्स,
What are archaeocytes in sponges? Sir, they can make different cells, totipotent. Yes, they are totipotent cells of sponges. तो स्पॉन्जेस के जो टोटिपोटेंट सेल है उनको हम लोग आर्कियोसाइट्स बोलते हैं। तो नाउ दीज आर्कियोसाइट्स व्हाट दे विल डू व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न दे विल रीजनरेट द होल स्पॉन्ज। अंडरस्टूड? अब इसको प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग मोनोएक्सियल स्पीक्यूल्स से उसको सपोर्ट करते हैं। कोई शक? तो इसीलिए ये आपका हो गया गेमेशन एंड गेमिलेशन। हम लोग इवन इधर स्पोरुलेशन भी लिख सकते हैं क्योंकि किसी किसी एनिमल्स में आपका स्पोर्स बनता है। अगेन ये भी हायर ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे आपका प्लास्मोडियम। तो प्लास्मोडियम में क्या होता है? स्पोरुलेशन होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, तो आप जानते हो जब हम लोग मलेरिया लाइफ साइकिल पढ़ेंगे या पढ़े थे तो हमने क्या देखा, उसमें अलग अलग तरीके का स्पोर्स होता है एंड दीज स्पोर्स आर प्रोडक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए तो ये हमारा कंसेप्ट खत्म। अब एक यूनिक चीज है दैट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस या वर्जिन बर्थ। ओके, सो एक रशियन बायोलॉजिस्ट, हाँ बोलो। जो मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में रिप्रोड्यूस करते हैं वहां पर फॉर्मेशन ऑफ सीस्ट होगा। सीस्ट जो स्पोर है, जैसे आपका ये जो ये क्या है, जो गेम्यूल है, गेम्यूल इज आल्सो ए टाइप ऑफ सीस्ट ओनली। तो गेम्यूल भी एक तरह का सीस्ट होता है। सीस्ट का मतलब क्या होता है मालूम है ना, वो डोरमेंट स्टेट में चला जाता है। आप जैसे देखो निशिपद्मा, I asked you to give me that mango tree. Okay, आपके घर में जो मैंगो ट्री है जिसका आम मेरे को दिए थे मुझे पटाने के लिए कि आपको मैं अच्छा नोट्स दूं, तो वो जो आम का पेड़ आप मुझे दे सकते हो या उसका बीज दे सकते हो, विच इज ईजियर? बीज। द रीजन इज बिकॉज इट कैन माने सर्वाइव hardships. ओके, अब मैं वो आम का पेड़ लूंगा, उसे ट्रक में उठा के डालूंगा, उसको लेकर फिर अपने फार्म में लगाऊंगा, तो उसके बाद वो सरवाइव करेगा, उसका 50-50 चांसेस रहता है। बट अगर मुझे इस तरह आई डोंट नो ना व्हेन आई विल गो टू द फार्म, तो लाइक दैट। तो इसलिए अगर हमारे पास सीड्स होंगे तो उसको जब भी मैं लेके डालू कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीड के अंदर आपका जो एम्ब्रियो है वो डोरमेंट स्टेट में वेट करता है एंड इट कैन वेट फॉर इयर्स टुगेदर, है कि नहीं? तो इसीलिए जब अनफेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो सिस्ट बनाना सेफ होता है। व्हाई? बिकॉज इट कैन सरपास द टफ टाइम्स। इसलिए गेम्यूल को आप एक टाइप ऑफ सिस्ट भी बोल सकते हो। We can call it, but you know na, I told you that ये cyst fist जो term है, ये basically lower organisms के लिए रखा गया है। तो इसीलिए जो आपका sponges है या multicellular organisms है, इसमें generally हम लोग ये cyst fist term use नहीं करते। Okay? So like that. So that is why we use a different term. Okay. चलिए और कुछ पूछना है? So now parthenogenesis. Parthenogenesis is actually, I don't feel that it should be classified in asexual reproduction, क्योंकि इसमें दोनों parents involved है, दोनों parents होते हैं। Case number two, इसमें दोनों gametes बनता है, okay? But क्या है? कुछ कुछ examples में monoparental condition देखा जाता है, तो इसीलिए बहुत लोग इसको asexual reproduction कहते हैं। Now another reason of calling it asexual reproduction is no variation, but it is not correct. Isme variation hota hai. It is not a twin. Can you justify this, Atma? Mane it is not a clone.
कैन यू जस्टिफाई इट? मतलब टेक्निकली हम इनको क्लोन्स नहीं बोल सकते. इसका कारण क्या है? मियोसिस में देखो कभी ना कभी तो ये इंडिविजुअल आपका मम्मी डैडी से बना होगा. ओके, जैसे आपका जो ड्रैगन है कोमोडो ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन में अगर किसी आइलैंड में सिर्फ फीमेल है तो भी बच्चा होता है, और किसी आइलैंड में मेल फीमेल है तो भी बच्चा होता है. इसका मतलब जो पहला कोमोडो आया वो सेक्सुअली आया या एसेक्सुअली आया वो हमें श्योरिटी नहीं है. ना सपोज जो क्रोमोसोम्स है उसके पास आधा मम्मी का है आधा डैडी का है, तो इसलिए जब गैमिट बनेगा तो गैमिट में भी तो वेरिएशन होगा ना, नहीं होगा? बोलिए, सपोज यू हैव 23 क्रोमोसोम्स, भले ही आपका मम्मी ने आपको अपने हाथों के मेल से बना दिया, किसको ऐसे बनाया था लोगों ने बताइए? गणेश. तो गणेश जी को माता पार्वती ने अपने मेल से बना लिया, ऐसा लोग सोचते हैं. मतलब शी मेड हिम फ्रॉम हिज सोमैटिक सेल्स, तो उन्होंने अपने सोमैटिक सेल्स से उनको बनाया, तो इसलिए दे आर कॉल्ड व्हाट व्हाट दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू मदर. तो वो करेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आप सोमैटिकली बने हो तो वेरिएशन नहीं होगा, बट अगर आप गैमेटिकली बने हो तो जो गैमेट फॉर्मेशन होता है उसमें तो मियोसिस होता है ना. तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा उसमें मियोसिस होगा, तो जब उसमें मियोसिस होगा तो ऑल फोर गैमेट्स आर नॉट अलाइक, समझ रहे हो? तो ऑल फोर गैमेट्स आर नॉट अलाइक. तो इसीलिए अगर आप बिना गैमेट फ्यूजन के बनाए तो भी वेरिएशन होगा. हाँ बोलिए सर. मतलब अगर जो मदर कोमोडो ड्रैगन है वो अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ होगा तो जाके ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस होगा. अगर जो मदर कोमोडो ड्रैगन है वो पार्थेनोजेनेसिस से बना होगा. सुनो सुनो आत्मन बाबा, आप जो ये तुम्हारा गांव का कोमोडो ड्रैगन है, तो ये जो कोमोडो ड्रैगन कहीं से आया होगा ना, इट मस्ट हैव कम फ्रॉम सम प्लेस. ओके, तो देयर आर कोमोडो ड्रैगन्स, सो ऑल ऑफ देम आर कोमोडो ड्रैगन्स. ठीक है. नाउ सपोज ये जो आपका कोमोडो ड्रैगन में मेल एंड फीमेल होते हैं, तो मेल भी होता है फीमेल भी होता है, तो अब इसका मतलब दोनों सेक्स एग्जिस्ट कर रहा है. तो इसका मतलब दो चीजें हो सकती हैं, जो उनका प्रिकर्सर है वो ओनली फीमेल होगा. ओके, एंड कुछ म्यूटेशन होके मेल बना, समझ में आया? या दोनों मेल फीमेल था. ओके, बट जिस आइलैंड में मेल फीमेल साथ थे तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके बच्चा बनाए, जिस आइलैंड में फीमेल अलग थी वो एसेक्सुअली ब्रीड करके बच्चा बनाए. तो इसलिए वी डोंट नो दैट जो ऑर्गेनिज्म आया भाई वो डिप्लॉयड है यार. कोमोडो ड्रैगन इज डिप्लॉयड. यस सर. तो डिप्लॉयड मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम आप कहीं ना कहीं से तो लाए हैं, समझ रहे हो? तो इसीलिए इट हैज टू बी डिफरेंट. यस, हम सोमैटिक एम्ब्रियो हैं तो डिफरेंट नहीं होगा, बट अगर आप गैमेट से बने हुए एम्ब्रियो हो तो डिफरेंस होगा. तो अब हमें तो कोमोडो ड्रैगन का हिस्ट्री में वो जो सेल है वो कहाँ से आया था वो मालूम नहीं. तो यस्टरडे आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच जुरासिक पार्क 1 मूवी का इंट्रोडक्शन. उसमें अगर मेरे को मिल रहा है, मैं देखता हूँ एक सेकेंड, इफ आई गेट इट आई विल शो इट टू यू. तो उसमें देखा गया है कि जब वो जो डायनासोर बना रहा था ना, तो उसका जो साइंटिस्ट था वो चाइनीज, देख रहे हो, वो भी चाइनीज है, बदमाश. सो दैट चाइनीज मैन व्हाट ही टोल्ड
दैट एक्चुअली मैं इंडिविजुअल चाइनीज क्यों इंडिविजुअल क्यों बना रहा हूँ ताकि आपका वो नेचुरली रिप्रोड्यूस ना कर सके एंड हम उसको कंट्रोल में रख सके. अंडरस्टूड? वी कैन कीप द पॉपुलेशन इन कंट्रोल. तो उसके बाद उसमें से एक साइंटिस्ट होता है, वो उनको कुछ अलग चीज बोलता है. ओके, ही टेल्स हिम दैट एक्चुअली जो नेचर है वो नेचर आपका क्या है, इट मे शो वेरिएशंस. ओके, so I am trying to show you the screen, आप उसमें देखेंगे. Okay, so kindly see it. Sam, which we call amber, waited for million sophisticated techniques. Is the sound audible? Extract the preserved blood from the mosquito. Yes, sir, audible. Yes. If we yes, sir. Like these once. Six, so, it's full of holes, mountains, and virtual reality displays show our geneticists code. And now, music, of course. Boom, boom, boom. Well, March or something hasn't been written yet. Are these characters auto erotica? No. And it's no. Wait a minute. How do you interrupt the cellular? Can't you stop these things? I'm sorry, it's kind of a ride. ये देखे, ये उसका क्रिएटर है. प्लीज लिसन नाउ केयरफुली. आई होप दे पास बिफोर आई हैव टू गो टू द बोट. हैव मी. Come on, little one. Very good. Push, man. Come on, then. There you are. First creature they come in contact with. That's it. Surely not the ones that have bred in the wilds. No. Actually, they can't. How do you know they can't breathe? Oh, it holds that temperature? Yeah. Pull up the dinosaur's skirts. We control their chromosomes. It's really the male. We simply deny them that. Deny them that? Contained life breaks free, it expands to new territories, and it crashes through. You're implying that a group composed entirely of female. The park, our gourmet chef, Alejandro. What are they doing? एक्चुअली ये जो यूट्यूब का वीडियो है तो लोग कभी कभी काटते हैं, प्लस इसको थोड़ा केयरफुली सुनना. वो जो साइंटिस्ट नहीं है जो चश्मो, वो बोलता है कि भाई जो ये बोलता क्या है कि हम उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं क्योंकि हम उसके क्रोमोसोम्स को कंट्रोल करते हैं. तो हमने XX बनाया है सारों, इसलिए ऑल आर फीमेल्स. तो उसने बोला कि भाई आप कौन होते हो उनको कंट्रोल करने वाले, क्योंकि नेचर में कुछ ऐसा होगा कि उसमें से फीमेल से मेल बन जाएंगे. एंड अगर आप उस स्टोरी को देखोगे, ये वाला सी दिस मूवी नाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस. इसमें आप देखोगे वो लोग जब बीच में घूम रहे होते हैं तो उनको डायनासोर के अंडे मिलते हैं. इसका मतलब दे हैव स्टार्टेड टू ब्रीड. तो इसका मतलब दे हैव गॉट मेल्स, है कि नहीं? तो इसीलिए मेल्स उसमें थे. तो अब वो मेल आए कहां से? तो वो जो साइंटिस्ट है वो बोलता है कि देखो जो मैंने प्रिडिक्शन किया वो सच हो रहा है कि ये जो इन लोगों ने कंट्रोल किया था तो नेचर ने अपना रास्ता खुद ढूंढ लिया. सो देयर आर ब्यूटीफुल स्टेटमेंट्स इन दिस मूवी. तो इसको जब आप केयरफुली सुनोगे, सी व्हेन यू वॉच मूवी लाइक ए जेजे स्टूडेंट देन यू विल अंडरस्टैंड, अदरवाइज आपको उधर डायनासोर एंड कामड़ा कामड़ी ही दिखेगा. समझ में आया? तो इसलिए यू सी हाउ वाइटल, ये जो बनाया है ना, इसको पूरा देखेंगे आप तो आप देखोगे कैसे जेनेटिक क्लोनिंग किया जाता है, क्योंकि ये सब आपके इस साल सिलेबस में है. हाउ वी क्लोन ऑर्गेनिजम्स, हाउ इसका जेनेटिक मटेरियल, एंड उसमें क्या बोला है
कि एक्स से ही वाई आया है, तो समझ रहे हो ना, तो एक्स क्रोमोसोम का जो म्यूटेशन हुआ उसी जो एक्स एक्स सी वाई वाई यू सी वाई क्रोमोसोम इट हैज अ लॉट ऑफ एक्स आल्सो, इसका मतलब जो एक्स का एक मेजर फेमिनिन पार्ट डिलीट हो गया, ठीक है, तो एक्स का एक मेजर फेमिनिन पार्ट डिलीट हो गया जिसके कारण वो अब मैस्कुलाइन लोगों को बना रहा है। तो इस तरह से बहुत अच्छा अच्छा स्टेटमेंट्स है, तो दीज आर साईफाई मूवीज, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ साइंस हियर, ओके। तो एटलीस्ट ये फर्स्ट पार्ट आप देखिए, बाद का पार्ट तो आपको देखने का जरूरत नहीं है, फर्स्ट हाफ एन आवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स हाउ दे मेक। तो पहले पहले लोग डायनासोर एक्सकवेशन करते हैं, कैसे फॉसिल्स निकाला जाता है, ये सब आप देख सकते हैं, बिकॉज ये सारा आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे इस साल, एंड अनफॉर्चुनेटली सारा मुझे ही आपको पढ़ाना पड़ेगा, है भले ही आप जितना मर्जी चाहो सीपी सर पढ़ा दें, बट ये मैं ही पढ़ा रहा हूँ ऑल ऑफ दिस चैप्टर्स, सो दैट इज व्हाई आई वुड लाइक यू टू सी दिस मूवी। चलिए, सो दैट इज द कंसेप्ट, तो इसीलिए सम हाउ नेचर विल मेक, तो इसीलिए ये सब हम यूनिक केसेस देखते हैं, जैसे हनी बी। हनी बी में क्या होता है, जब सीजन होता है तो ड्रोन्स विल मेट द फीमेल, एंड फीमेल जो है क्वीन वो सारा स्पर्म्स अपने स्पर्माथिका में रख देती है, ठीक है, नाउ शी विल स्टोर ऑल द स्पर्म्स इन द स्पर्माथिका एंड नाउ she will go to lay eggs. तो जब वो एग ले कर रही है तो किसी किसी को वो फर्टिलाइज करती है with that sperm. तो जिसको वो sperm से फर्टिलाइज करेगी तो the worker bees will take that egg and put it in the क्या worker larva chamber. तो ये worker bee बनेगा, but जिसको वो फर्टिलाइज नहीं करेगी उसको लेकर ये drone larva chamber में डाल देगी, क्योंकि वो ड्रोन्स बनेगा। तो इसलिए जो हैप्लॉयड है वो बनेगा ड्रोन, एंड जो डिप्लॉयड है वो बनेगा स्टेराइल फीमेल वर्कर बी, क्योंकि एक हाइव में दो क्वीन नहीं रहते, इसलिए ऑल द अदर फीमेल्स हैव टू बी स्टेराइल। नाउ किसी कारणवश अगर क्वीन को कुछ हो गया तो व्हाट हैपेंस,